हेलो फ्रेंड्स, संगीताज फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कूल कूल वनीला आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप फुल क्रीम दूध लिया है और 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाला है और 1/4 कप मिल्क पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। एक मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम ली है और एक ब्लेंडर की हेल्प से हम अब क्रीम को व्हिप्ड कर लेंगे। ब्लेंडर को हमें हाई स्पीड पर कंटिन्यू 5 मिनट तक चलाना है, तभी हमारी क्रीम व्हिप्ड होगी। क्रीम हमारी व्हिप्ड हो चुकी है। देखिए ये नीचे नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब हमारी व्हिप्ड हो चुकी है क्रीम। अब हमने जो दूध का मिक्सचर तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्लिंग रैप से इसको कवर कर देंगे और 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखकर इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। आठ से 10 घंटे बाद चेक कर लेते हैं, हमारी वनीला आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है। और मैं इसको चॉकलेट सिरप से गार्निश कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी घर पर इसी तरह से वनीला आइसक्रीम बनाइए और एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।